हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था द रेलवे चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट में आप लोग को बता चुकी थी। आज हम लोग ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, द रेलवे चिल्ड्रन थिंग्स फॉर मदर। तो ये कुछ ये तीन बच्चों की स्टोरी है कि किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी जब उनके फादर जो है वो कहीं चले गए थे। ठीक है, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको समझ भी नहीं आता था कि उनकी कंडीशन अच्छी क्यों नहीं है, वो गरीब क्यों है, क्योंकि उनकी मदर जो है वो उन्हें हर चीज लाके दे देती थी। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी मदर उनको यही बताती थी कि हम लोग अब गरीब हैं। उनको ये चीज थोड़ा तब समझ में आई जब एक रात बहुत ज्यादा ठंड थी और उनके पास में कुछ भी आग जलाने के लिए कोयला नहीं था। तो उनमें से एक बच्चे को याद आता है कि वो किस तरीके से थोड़ा सा कोयला जो है, जो पास में रेलवे लाइन है वहां से लेके आ सकता है, कर सकता है। लेकिन होता ये कि जो रेलवे स्टेशन मास्टर रहते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में उसको समझ के बाकी बच्चे भी थोड़ा प्लीज प्लीज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो वो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ रहे हैं, थैंक्स फॉर मदर। द चिल्ड्रन सून गॉट टू नो द ट्रेन दैट पास्ड बाय। अब डेली उन बच्चों की आदत थी कि वो लोग वहां पर फेंस पे जाके बैठ जाते थे और वहां पे हर ट्रेन को बाय करते थे, क्योंकि उनके पास में कुछ भी और साधन नहीं था कि वो अपने आप को किससे इंटरटेन करें, किस तरीके से वो लोग खेलें। तो उनको अब धीरे धीरे हर ट्रेन के बारे में पता लग गया था कि कौन सी ट्रेन कब आती जाती है। One morning they decided to wave a one and pretend that it could take their love to father. तो एक दिन उन्होंने decide किया कि वो एक train को hi कहेंगे और वो ये चाहेंगे कि वो उनके father तक उनका ये hi और उनका जो प्यार है वो वहां तक पहुंच जाए। So they waved an old gentleman waved back. तो जब वो लोग बाय कर रहे थे उस ट्रेन को, तो उसमें एक बहुत ही बुजुर्ग से एक पर्सन थे, उन्होंने भी उन्हें बाय किया उस ट्रेन में से। ही लुक्ड प्लीजेंट और वो बहुत ही अच्छे थे, एंड द चिल्ड्रन बिगेन वेविंग हिम एवरी मॉर्निंग। और वो जो पर्सन थे वो हमेशा ही उस ट्रेन से जाया करते थे, तो बच्चों ने डेली उनको बाय करना शुरू कर दिया। डेली मॉर्निंग वो लोग इंतजार करते थे और वो भी साथ में, वो जो पर्सन थे, वो जो अंकल थे, वो भी उनको बाय किया करते थे। दे डेयर नॉट टू विजिट स्टेशन अगेन एट ए फर्स्ट बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द स्टेशन मास्टर। अब स्टार्टिंग में उन लोग को थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था, क्योंकि उनको स्टेशन मास्टर से काफी ज्यादा डांट पड़ चुकी थी, इसलिए वो लोग स्टेशन जाने से थोड़ा डरते भी थे। ठीक है, बट द स्टेशन मास्टर वॉज अ काइंड एंड टोल्ड देम टू विजिट। लेकिन स्टेशन मास्टर जो थे वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने उनको कहा था कि वो आ सकते हैं और अपना जब भी वो आना चाहें तब वो यहाँ पे स्टेशन पर आ सकते हैं। दे बी फ्रेंडेड द पॉटर पर्क्स हु आंसर्ड ऑल देयर क्वेश्चन। और धीरे धीरे जो भी वहां के कूली थे और जो पर्सन थे जो स्टेशन पे काम किया करते थे, वो धीरे धीरे उन तीनों बच्चों के फ्रेंड बन गए और वो लोग जो भी पूछते थे वो लोग उसका आंसर दिया करते थे। अबाउट द ट्रेन एंड रेलवे, और बच्चे अक्सर ट्रेन के बारे में पूछते थे, रेलवे के बारे में पूछते थे, तो सभी बहुत ही उत्सुकता से उन बच्चों से बातें किया करते थे और उनको हर बात बता दिया करते थे। वन मॉर्निंग द मदर फेल इल। अब एक दिन क्या हुआ, उनकी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। द डॉक्टर एग्जामिन हर एंड टोल्ड द चिल्ड्रन दैट इन ऑर्डर फॉर मदर टू गेट बेटर दे नीडेड टू गेट सम थिंग्स फॉर हर। तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाए, तो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें उनके लिए लानी पड़ेगी। बट हाउ आर वी गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग फॉर मदर। लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो छोटे बच्चे हैं, वो ये सारी चीजें अपनी मदर के लिए कैसे ला सकते हैं।
द चिल्ड्रन थॉट फॉर अ सॉल्यूशन. अब बच्चे सॉल्यूशन निकालने लगे कि किस तरीके से वो अपनी मदर के लिए सारी चीजें अरेंज करें. द नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर स्टूड बाय द रेलवे लाइन विथ अ साइन बोर्ड. अब हुआ ये कि एक मॉर्निंग जो पीटर था वो एक साइन बोर्ड के साथ में स्टेशन के जो रेलवे लाइन है वहां पे खड़ा हो गया. ठीक है, इस तरीके से लुक आउट एट द स्टेशन, और उन्होंने इशारा किया कि स्टेशन की तरफ देखो. दैट दे हैड मेड अ फिक्स्ड टू द फेंस, और उन्हें इस तरीके से बनाया था कि वो जो बैनर है वो वहां पे फिक्स हो जाए. When the train stopped at the station, Phyllis ran towards. और जैसे ही ट्रेन स्टॉप हुई तो वैसे ही फिलिस जो था वो जोर से स्टेशन की तरफ दौड़ा. The old gentleman in the train handed him a letter. और फिर वो जो ओल्ड जेंटलमैन थे ना जिनको बच्चे रोज बाय करते थे और वो अंकल भी उनको रोज बाय किया करते थे, उन बच्चों ने एक लेटर जो था वो उस पर्सन को दे दिया. डियर सर, अब उस लेटर में क्या लिखा था, वो जो पर्सन थे वो उसे पढ़ रहे थे. ठीक है, तो उसमें लिखा था डियर सर वी नीड समथिंग फॉर आ मदर हु इज इल. तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ चीजें चाहिए हमारी मदर के लिए जो कि बहुत ज्यादा बीमार हैं. ठीक है, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं है कि वो सारी चीजें हम अपनी मदर के लिए लेके आ सके. कुड यू प्लीज गेट देम फॉर अस, तो क्या आप हमारे लिए वो सारी चीजें ला सकते हो. वी प्रोमिस टू पे यू वेन वी हैव द मनी, और हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे पास जब भी पैसा होगा हम आपको वो पूरा पैसा लौटा देंगे उसका. लेटर दैट इवनिंग पर्क द पॉटर नॉक एट द बैक डोर, और फिर जब इवनिंग शाम हो जाती है तो पर्क जो कि एक पॉटर रहता है, एक कूली रहता है, वो उन बच्चों के घर पे आके डोर बजाता है. ऑफ देयर हाउस गेव द चिल्ड्रन अ लार्ज बॉक्स, और फिर वो जो पॉटर रहता है वो एक बड़ा सा बॉक्स जो है उन बच्चों को हाथ में लाके देता है. हियर यू गो चिल्ड्रन, इट्स फ्रॉम द ओल्ड जेंटलमैन, और फिर वो बताते हैं कि ये जो सामान है वो एक ओल्ड जेंटलमैन ने तुम्हें देने के लिए दिया है. इनसाइड द बॉक्स वर ऑल द थिंग्स दे हैड रिक्वेस्टेड फॉर, और उस बॉक्स को जब वो लोग खोलते हैं तो वो सारी चीजें होती हैं जो बच्चे उस जेंटलमैन को लाने के लिए बोलते हैं अपनी मदर के लिए, एंड सम एक्स्ट्रा आइटम. साथ में वो जेंटलमैन इतना अच्छा रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उस बॉक्स के अंदर डाल के उन बच्चों को दे देता है. ठीक है, डियर चिल्ड्रन दीज आर द थिंग्स यू नीडेड. अब फिर वो एक लेटर भी उसमें रहता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए. इफ योर मदर गेट अपसेट बिकॉज यू आस्क फॉर हेल्प, और वो साथ में समझाते भी है कि अगर तुम्हारी मदर अगर बुरा मानती है कि तुमने किसी अनजान इंसान से हेल्प ली है ये सारी चीजें लेने के लिए, डू टेल हर दैट आई वॉज हैप्पी टू डू इट, तो उन्हें ये कहना कि मुझे बहुत ही खुशी हुई ये सारी चीजें तुम्हारे लिए लाने में. ठीक है, तो इतनी चीजें अभी तक थी इसमें. अब आज हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द फोर्थ चैप्टर बॉबीज एडवेंचर. अब बॉबी का क्या एडवेंचर था इसमें. ये वीडियो अभी प्ले नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से इन प्यारे बच्चों ने अपनी मदर के लिए एक हेल्प मांगी थी एक ओल्ड मैन से, और उस ओल्ड मैन को भी बहुत ही अच्छा लगा उन बच्चों की हेल्प करने में. ठीक है, और साथ की उनकी हेल्प तो करी जो उनको चीजें चाहिए थी, लेकिन साथ के साथ उस पर्सन ने उन्हें वो चीजें भी लाके दी जो उन्होंने नहीं मांगी थी अपनी खुशी से. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय.